सो गाइस, ये और ये जब मैंने ये दोनों वीडियो बनाई अपलोड की, लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन भी आ रहा है, जो भी वो अभी तक जो रिजल्ट पा पा रहे हैं, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हैं। तो लोग मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि Amazon के ऊपर और कोई स्ट्रेटेजी लेके आओ सर, और कोई स्ट्रेटेजी लेके आओ। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच, बिकॉज ये दोनों वीडियो में मैंने पहले वीडियो में 3 ऐसी ट्रिक शेयर की है जो आपको बहुत तेजी से Amazon से पैसे कमा के दे सकती है, जो पेड होगी। और उसके बाद जो वीडियो मैंने शेयर की, जो आज से 1 या 2 दिन पहले मैंने शेयर की है, उस वीडियो में मैंने फ्री का एक टॉप क्लास मेथड बताया है जिससे आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं Amazon से अपना टाइम और एफर्ट लगा के। और मुझे पता है अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस स्ट्रेटजी की वैल्यू कितनी है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच, और जिन लोगों ने देखी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वो वीडियो कैसी लगी थी एंड ये वीडियो आपको कैसी लगेगी। सो प्लीज नीचे कमेंट करके जाना और इस वीडियो को लाइक देना, बिकॉज ये लाइक और कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आने के लिए, बिकॉज मैं यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं लेता हूं और अभी तक मैंने कोई भी विड्रॉल नहीं मारा है यूट्यूब से। भले से एड जरूर चलता है लेकिन कोई भी विड्रॉल अभी तक मैंने यूट्यूब से नहीं लिया है। तो आप लोगों का जो लाइक है, कमेंट है, उससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है एंड मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि और भी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो प्लीज ये दो काम आपको जरूर करने हैं, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा दमदार, और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी 3rd स्ट्रेटेजी जो है यूट्यूब के ऊपर। यस गाइस, आपको पता होगा कि वीडियो मार्केटिंग इन 2019 एक बहुत बड़ा वेपन होने वाला है। यस गाइस, 2019 वीडियो मार्केटिंग का सेशन है। इट्स मीन कि वीडियो मार्केटिंग की आग है वो ब्लॉगिंग के भी आग से काफी तेज है और बहुत तेजी से फैल रही है। जैसे कि आप देख लो कि नए नए YouTube चैनल्स, नए नए वीडियो क्रिएटर्स आ रहे हैं मार्केट में। सो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज YouTube का और वॉइस मार्केटिंग का दो चीज का जमाना आ रहा है। तो अगर हम लोग जो एफिलिएट कर रहे हैं उस एफिलिएट का तरीका नहीं बदलेंगे, मतलब समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे, तो समय हमें बहुत बहुत इसका दंड देगा। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी है और आपने भी इसको एनालाइज किया होगा कि हर कोई इस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग करने में। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना जरूरी है, तभी उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा या थंबनेल पढ़ा होगा कि बिना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं Amazon से, और खुद की वीडियो भी आपको नहीं बनानी यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बोर्ड पे ले जाके समझाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। बट आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि हाँ, ये चीजें काम कर रही है बट ये चीजें फ्री है तो इनका रिजल्ट जो है वो इतना जल्दी नहीं आएगा। ओके, इसमें आपको बहुत काम करना पड़ेगा। हो सकता है कई लोगों की वीडियो वायरल हो जाए और वहां से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ जाए, बट मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने जैसे इस चीज को यूज किया है, क्योंकि मैं हर स्ट्रेटेजी को पहले यूज करता हूँ फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यूज किया तो इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा स्लो है, बट अगर आप अच्छा खासा इसमें दम मारते हो, एफर्ट लगाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपको रिजल्ट जो है बहुत आसानी से मिलेगा और बहुत तेजी से मिलेगा। और अदरवाइज वो हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है जो इस वीडियो में मैंने शेयर की, 100% वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की, जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी है जिससे आप काफी ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको आगे क्या करना है। सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड। दोस्तों, मैंने क्या कहा है कि बिना खुद की वीडियो बनाए आपको काम करना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगने वाला। तो काम आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका Amazon एसोसिएट जो आपका नेटवर्क है, प्रोडक्ट है, उसको आपको
कैच कर लेना है। इट्स मीन आपको अपनी आइडियाज में बना लेनी है। ये सब मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, स्ट्रेटजीज के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपके पास अभी तक तो अमेजोन का जो अकाउंट है वो हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है या कोई भी वीडियो में डाउट आ रहा है या इससे पहले दो वीडियो देखे हो उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो ऑन माई प्रोफाइल ऑफ इंस्टाग्राम, कभी भी कहीं भी। और सारे जो अपडेट्स भी मैं देता हूँ वहीं देता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ आपको अपडेट मिलते हैं रिसेंट है, सडनली और रैंडमली कोई भी अपडेट हो वहाँ पर आपको मिलता है, तो वो वहाँ आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर लो। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अमेजॉन एसोसिएट का अकाउंट। अमेजॉन का अकाउंट आपके पास मिल गया, अब आपके पास होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो कौन से ज़्यादा चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। देखो जब हमें 10, 20, 30 और 1,000 रुपये, 2,000 रुपये का सामान लेना रहता है, ठीक है, आप खुद ही अपने ऊपर सोचो, ठीक है, जब आपका 1,000, 2,000 रुपये या 3,000 का सामान आपको लेना रहता है तो आप कभी सर्च करने नहीं जाते यूट्यूब पे, राइट। सर्च करने आप कब जाते हो? सर्च करने तब आप जाते हो जब आप कोई कीमती चीज़ लेते हो या ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर कोई चीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो वो तभी होगी, या तो आप उसको बहुत पसंद करते हो या तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में, या आपको वो अटेंशन दिलाने वाली है लाइक आईफोन तो या मोबाइल्स, कुछ कॉस्टली मोबाइल्स, तब ही आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करते हो और फिर उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको सोचना है प्रोडक्ट को चूज़ करते समय, बिकॉज प्रोडक्ट जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप कुछ भी नहीं उठा लो, वो प्रोडक्ट उठाओ जिस प्रोडक्ट के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड टूल, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे तरीके हैं लाइक आपका गूगल ट्रेंड है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप सर्च कर सकते हो कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। और आपको थोड़ा अपना खुद को भी उस प्लेस पे रख के ये चीज़ सोचना है कि आप कब यूट्यूब पे सर्च करते हो, कौन सी चीज़ खरीदते हो तो सर्च करते हो। तो बेसिकली आप 1,000, 2,000 की जब सामान खरीदने जाते हो तब सर्च नहीं करते हो, ठीक है। आप सर्च तभी करोगे जब आप कोई एक कंप्यूटर लेने जा रहे हो या आप कोई एक लैपटॉप लेने जा रहे हो या आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हो जिसका प्राइस 10,000 है या उससे भी ऊपर है, ठीक है, बट वो 1,000, 2,000 का नहीं है। हमेशा देखना, आप खुद ही अपने आप को रख के देखो कि कभी भी 2,000 या 1,000 का सामान रहेगा तो आप कभी भी नहीं करोगे सर्च। तो अब ये इस कंडीशन में, मतलब कि लोग जब लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा का, आपका कंप्यूटर, ये सब जब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं तब ही वो आते हैं और सर्च करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से प्रोडक्ट अपना पिक कर लेना है, उसकी कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं, प्लस गूगल ट्रेंड में भी देखना है कि वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों को पिक करते हो, लाइक अभी कोई मोबाइल लॉन्च होने वाला है उसकी वीडियो बना दो, ठीक है, वीडियो आपको बनानी नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करना है, उसकी वीडियो बना दो या कुछ ऐसा जो ट्रेंडिंग में है उस चीज़ पे करो, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड आपका टफ होना चाहिए, ठीक है, और ये होता है टाइटल, ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखो, टाइटल। टाइटल को भी आपको कॉपी करना है, जो वीडियोज टॉप में होंगी, कहाँ टॉप में वो मैं भी आपको बताता हूँ। थंबनेल पूरा क्लिक बैट रखना है, ठीक है, बिकॉज ये आपका कोई चैनल नहीं है, कोई पर्सनल चैनल नहीं है, ये आपका बिजनेस चैनल है, तो थंबनेल भी जो आपका रहेगा वो पूरा क्लिक बैट रहेगा। क्लिक बैट का मतलब क्या होता है? क्लिक बैट का मतलब एकदम आश्चर्य, सडनली अटेंशन पाने वाला इमेज, थंबनेल जो सामने दिख जाए तो लोगों को लगे कि क्लिक ही करना है, ठीक है। तो ऐसा थंबनेल और जो आपका टाइटल रहेगा वो भी कॉपीड रहेगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि इतना काम आपको करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको ले चलूंगा यहाँ यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। तो देखो क्या, सबसे पहले फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर कहा आपको, क्या कहा, थंबनेल और टाइटल। तो आपको सबसे पहले टाइटल, जो आपका प्रोडक्ट है, मान लो आपका प्रोडक्ट है मोबाइल रिव्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मोबाइल, सो देखो मैंने किया मोबाइल रिव्यू, ठीक है, जब मोबाइल रिव्यू बेस्ड चैनल मैंने टाइप किया तो यहाँ पर मुझे कुछ चैनल्स मिल गए हैं। तो अब देखो जो भी आपका मोबाइल, चाहे आप रियलमी, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, ओप्पो, वीवो या कोई सा भी मोबाइल को आप जा रहे हो उसकी वीडियो बनाने या वीडियो प्रोड्यूस करने, तो
आपको सबसे पहले उस पर रिसर्च करनी है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गेम का, याद रखना। अगर आपको सच में तेजी से ग्रोथ लाना है तो अमेजोन का तीसरा पार्ट बना रहा हूँ, दो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखो। तो अब देखो मोबाइल रिव्यू बेस्ड चैनल आपको करना है कॉपी, अगर आप वीवो ओप्पो या कोई सा मोबाइल कर रहे हो तो उसको भी टाइप करना है, तो वो मोबाइल ऊपर आ जाएगा जिसका वहाँ पर रैंकिंग में वीडियो रहेगी उसकी वीडियो ऊपर आ जाएगी। अब उसका आपको टाइटल कॉपी कर लेना है, लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं ऐसे ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ। गाइज मैंने इसको कर लिया है कॉपी, हाउ टू गेट फ्री रिव्यू सैंपल, ठीक है, ये यूनिट मोबाइल जो भी ये बंदा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, तो ये चीज़ को आपको कॉपी कर लेना, मतलब जो आपके टॉप पे रहेगी। अगर आप वीवो सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर मैं वीवो भी करके दिखा देता हूँ, वरना कुछ लोग मिसगाइड हो जाएंगे। तो वीवो रिव्यू बेस्ड चैनल मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पर आ रहे हैं गुरु जी, ठीक है, गुरु जी की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लो और उसको कॉपी करके एक जगह रख लो अपने टाइटल के लिए, ठीक है, जो भी गुरुजी का टॉपिक है वीवो करके इसको अपने टाइटल के लिए रख लो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है गुरुजी की थंबनेल, इसके नीचे की थंबनेल और इसके चार पांच वीडियो की थंबनेल, ठीक है, इन सब को आपको देखना है ध्यान से, फिर इन सब को क्रॉस करते हुए एक थंबनेल आपको बनाना है canva.com के यूजेस से। इसके पहले में वीडियो मैंने कैनवा के बारे में बताया था और कैनवा के ऊपर एक पूरा स्ट्रेटजी भी बताई थी, तो वो आप देख लेना पिछली वीडियो, या अगर आपको कैनवा के बारे में पता है तो बहुत अच्छा, आप वहाँ थंबनेल एंड ऑल लोगोस डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, canva.com। अब वहाँ जाके आपको एकदम कट टू कट इमेज तैयार करना है, जैसा कि मैंने कहा कि थंबनेल पूरा क्लिक बैट होना चाहिए, कट टू कट इमेज। अब ये आपकी दो प्रिपरेशन हो गई है, कीवर्ड आपने सर्च कर लिया है, कीवर्ड आप यहां से भी निकाल सकते हो, जब इस पे क्लिक करोगे तो ट्यूब बडी या विड आई क्यू आप एक्सटेंशन आता है जो आपको बाजू में दिख रहा होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको पूरा कीवर्ड भी दिखा देता है। अब मैं आपको करके ही दिखा देता हूं, मैं इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, अब आपको ये जो बाजू में दिख रहा है ये पूरा गुरुजी का कीवर्ड है, ठीक है। अब आपको यहाँ से मिल जाएगा इनका टाइटल, दूसरा आपने बना लिया इनका थंबनेल और तीसरा आपने इनके कीवर्ड भी यहाँ से उठा लिए, ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड उठा सकते हो, जो वन पे रैंक कर रहा है, जो टू पे रैंक कर रहा है, जो थ्री पे रैंक कर रहा है, देखो जैसे कि यहाँ वन पे कुछ रैंक कर रहा है वन पे, तो आप इसको कॉपी करके उठा सकते हो। देखो टफ रहता है कॉम्पिटिशन, बट आपका जो क्या बोलते हैं यूट्यूब है वो एक किस बेस है, बिजनेस बेस है, कोई ब्रांड बेस नहीं है, तो आप इसको आराम से कॉपी करो और इसका जो भी कीवर्ड्स है उसको उठा के एक जगह रख लो, ठीक है। तो अब आपकी इतनी तैयारी हो गई है, YouTube में सर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कीवर्ड्स को सर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो एफिलिएट का गेम है ये पूरा इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको वीडियो नहीं बनानी है तो अब आप करोगे क्या, देखो करना ये है कि आपको गुरुजी जैसे और भी लोगों का वीडियो फाइंड करना है जो इस मोबाइल पे बनाए हुए हैं, लाइक वीवो V15 जितने लोग भी वीडियो बनाए हुए हैं सबकी वीडियो को डाउनलोड करना है, सबकी यानी टॉप की वीडियोस को, जो तीन चार टॉप की वीडियोस हैं या गुरुजी की वीडियोस हैं सबको डाउनलोड करना है और इनको रिक्रिएट करना है, कट कट करके। देखो जिसका जिसका बेस्ट पार्ट है, मतलब किसी ने कुछ बोला होगा वीडियो के बारे में, किसी ने कुछ बोला होगा वीडियो के बारे में, किसी ने कुछ बोला होगा वीडियो के बारे में, तो जैसे कि गुरुजी ने इंट्रो दे दिया तो गुरुजी का पार्ट को कट करो, फिर उसके बाद किसी दूसरी वीडियो ने, जैसे ये लड़की है, क्या नाम है इसका, गर्ल, जो भी नाम है इसका, तो इसकी वीडियो को एक कॉपी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और वीडियो है, जैसे ये बनता है, इसकी वीडियो को कॉपी कर लो। अब तीन वीडियो हो गए आपके पास, तीनों को रिक्रिएट करना है आपको, ठीक है, तीनों के बेस्ट पॉइंट्स उठाने हैं और उसके बाद आपको जाके देखना है, ये 10 मिनट की वीडियो है, ये 5 मिनट की वीडियो है और ये 10 मिनट की वीडियो है, मतलब कि आपको ओवरऑल 7 से 8 मिनट की वीडियो क्रिएट करनी है इन तीनों का बीट करने के लिए और इन तीनों को रिमिक्स करके, इट्स मीन इन तीनों की बेस्ट पार्ट्स को उठाना है, फिल्मोरा या किसी भी एडिटर में ले जाना है, एडिट करना है और पूरे ये जो कीवर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें उनके साथ आपको वीडियो को अपलोड करना है। अब जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, आपको जो प्रोडक्ट आपने उठाया था उसकी लिंक लेके इस वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा देनी है। बेसिकली गुरुजी भी और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं,
जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं सारे यही कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं इसको दिखा भी देता हूँ, ये देखो डिस्क्रिप्शन पूरा लिंक भरे रहते हैं ये, और यहाँ से कहते हैं कि आप परचेस करो। ठीक है, आप सोच रहे हो गुरुजी ने भरा नहीं है, भरा है गुरुजी ने। यहाँ इनका वेबसाइट है, जैसे आप क्लिक करोगे वेबसाइट पर जाओगे तो इनकी पूरी लिस्ट होती है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो। तो ये लोग भी यहाँ से पूरे पैसे निकाल रहे हैं। तो आप भी बिना खुद की वीडियो अपलोड किए दूसरे की वीडियो को रिक्रिएट करके कर सकते हो। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर कॉपीराइट आ गया तो हम क्या करेंगे। कॉपीराइट से आपको लेना देना ही नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि ये आपका बिजनेस चैनल है, ना कि कोई पर्सनल ब्रांडिंग चैनल। बिजनेस चैनल यानी एक बंद हुआ तो दूसरा, और कॉपीराइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एडिशन अर्निंग नहीं करनी है। आपको क्या करनी है, आपको अर्निंग करनी है एफिलिएट से। अब आप रिक्रिएट जब करोगे तो आपको एक ऐसे करके वीडियो के नीचे पट्टी लगानी है, और उसमें कहना है कि अगर आपको ये जो चीज़ है, जो भी ये प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन। आपको बार बार ये लाइन नीचे डालनी है वीडियो में, जैसे मेरे अभी आ रही होगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो ऊपर या नीचे। सो प्लीज़ करो लाइक शेयर कमेंट, यह भी लोगों के लिए। तो ऐसे ही वीडियो के पास आपको भी अपने वीडियो में, आपको भी अपने वीडियो में गाइस एक लाइन चलानी है जिसमें आपको लिखना है कि प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन, वहां आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, एंड गो एंड ग्रैब योर थिंग। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अमेजोन का लिंक दोगे, प्लस लिखोगे भी कि अमेजोन पे 20% ऑफ है या इस पे इतना परसेंट ऑफ है, जहां से भी आप लिंक उठा रहे हो। अब बंदा उस पर क्लिक करेगा और वहां जाएगा। देखो ट्रस्ट की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो खुद ही अमेजोन की साइट पे जाएगा, तो आपको ट्रस्ट दिलाने की उसको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अमेजोन ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल साइट है। तो जैसे ही वो जाएगा, अगर उसको कुछ भी अच्छा लगेगा इन 24 आवर्स, तो अगर वो खरीदेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो ऐसे ही आपके 1,000, 2,000, 1,00,000 अगर किसी गलती से किसी वीडियो में चल जाती है, वो वायरल हो जाती है, और उसमें से 1,000 लोग भी परचेस कर लेते हैं, तो आपको कितनी अच्छी खासी कमाई सकती है। मान लो अगर 2,000 भी आपका एक वीडियो व्यू जाता है, ठीक है, 2,000 का मतलब व्यू जाता है एक वीडियो में, तो मान लो उसमें से 100 लोग भी अगर कोई सामान खरीद लेते हैं, 500 या मोबाइल खरीद रहे हैं यार, तो अगर मोबाइल खरीद रहे हैं तो मतलब 8,000-10,000 का सामान खरीद लेते हैं, और आप उसमें से 10% की अर्निंग करते हो 8,000 रुपये में से, या 7,000 रुपये में से 10%, यानी 700 रुपये की अर्निंग आपको होती है एक सेल से, और आपका व्यू जो गया है वो गया है टोटल 2,000, और उसमें से लोगों ने सिर्फ 50 लोगों ने परचेस किया। ठीक है, क्यों, आपने ट्रेंडिंग चीज़ पे बनाई है वीडियो, जो अभी मोबाइल आ रहा है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों ने परचेस किया। इट्स मीन कि 2,035, तो गाइज आपने 3,500 रुपये की अर्निंग कर ली बिना कुछ किए, बस आपने एक वीडियो बनाया जो आपका खुद का भी नहीं है, बस उसको रिक्रिएट किया, डाल दिया। ऐसे ही करके आप 5, 6, 7 जितनी वीडियो डेली के अपलोड करोगे उस सब का बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं वो लाइफ टाइम मिलेगा, जब जब कोई भी उस वीडियो को देखेगा। तो अब ये लोग जिनकी वीडियोज़ है, अगर वो कॉपीराइट भी क्लेम करते हैं तो उससे कोई भी आपका घाटा नहीं होने वाला, ज़्यादा कुछ होगा चैनल बंद हो जाएगा, नया चैनल खोल लेना, बिकॉज ये रिव्यू बेस्ड बिजनेस चैनल है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जिसमें आपने सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके 3,500 रुपये कमाया, और ऐसे ही कई वीडियो अपलोड करके आप लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो अगर आप ये सही से इस चीज़ को अप्लाई करोगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।